हर जो है प्लेटफॉर्म पे लड़ेंगे, सड़क से, खेत से, संसद। किसानों के आंदोलन को शुरू से ही खुले तौर पर अपना समर्थन दे रहे हरियाणा के एकमात्र सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बार फिर से बीजेपी सरकार की पोल खोलने का काम किया है। यमुनानगर में मीडिया के साथ बातचीत में दीपेंद्र हुड्डा ने बताया कि सरकार ने राज्यसभा में तो कृषि कानूनों पर चर्चा करवाने की बजाय इसे ध्वनि मत से धक्केशाही से पास करवाने का काम किया है, जबकि वे इन कानूनों का विरोध कर रहे थे। क्योंकि लोकसभा में तो वोटिंग हुई थी, राज्यसभा में वोटिंग ही नहीं हुई, पहले ध्वनि मत से जी एक धक्काशाही से इन्होंने पास कराया। हम लोग विरोध करने खड़े रहे जी, और जो है मगर उसकी कोई गिनती नहीं हुई। दीपेंद्र ने कृषि कानून बनाए जाने वाले दिन को लोकतंत्र के इतिहास का काला दिन बताते हुए कहा कि कोई भी कानून बनाए जाने के समय हमेशा उसे लेकर वोटिंग होती है कि कितने लोग उसके पक्ष में हैं और कितने उसके खिलाफ, लेकिन कृषि कानूनों पर बीजेपी ने किसी भी नियम की पालना नहीं की। ना तो इन्हें किसी स्थायी समिति के पास भेजा गया और बिना किसी किसान, आढ़ती और उपभोक्ता संगठन की मांग के ही इन बिलों को लेकर कानून बनाने का काम कर दिया। बड़ा काला दिन था वो लोकतंत्र के इतिहास में, क्योंकि कानून जब बनता है तो उसमें हमेशा गिनती होती है ताकि पता चले भाई कितने उसके पक्ष में कितने विपक्ष में, यही लोकतंत्र है जी। मगर जो है बड़ा सोच के साथ ये कहना पड़ता है कि भाई पहले तो ये इन्होंने स्थायी समिति को नहीं भेजा, उसके बाद जो कि स्थायी समिति बनती है तो चर्चा होती है जी, और सारे किसान संगठनों को बुलाया जाता है, विचार विमर्श करके बिल का मसौदा तैयार होता है, ये प्रक्रिया है। मगर ऐसी कोई प्रक्रिया फॉलो ना करके इन्होंने ऑर्डिनेंस ही बना दिया, ना कि किसी की कोई मांग नहीं थी इस ऑर्डिनेंस को, किसी किसान संगठन ने कहा नहीं था कि हमें एक ऑर्डिनेंस दो, किसी आढ़ती एसोसिएशन ने नहीं कहा था ये ऑर्डिनेंस दो, किसी उपभोक्ता के किसी संगठन ने नहीं कहा था ये ऑर्डिनेंस दो, बिना किसी मांग के का एक एक दिन कोरोना में कि भाई कोरोना में देश पीड़ित है और इसकी ज़रूरत है कोरोना ठीक करने के लिए, क्योंकि तब ऑर्डिनेंस का क्या मतलब था, यही मतलब था। ठीक है जी। तो ये थोप दिए गए कानून जी, और उसके बाद जो है पार्लियामेंट बुला के उस पर केवल मोहर लगाने के लिए औपचारिक, क्योंकि पार्लियामेंट में तो चर्चा भी नहीं होने दी अच्छे से, ध्वनि मत से पास वास करा दिया राज्यसभा में। राज्यसभा में चर्चा भी पूरी कहाँ हुई, अगले दिन चर्चा होती तो मैंने भी बोलना था, मगर दीपेंद्र हुड्डा ने साफ तौर पर कहा कि भले ही वे हरियाणा में विपक्ष के एकमात्र इकलौते सांसद हैं, लेकिन किसानों के हक की इस लड़ाई को वे हमेशा लड़ते रहेंगे, फिर चाहे इसके लिए उन्हें कितनी ही लंबी लड़ाई क्यों न लड़नी पड़े। दीपेंद्र हुड्डा ने साफ तौर पर कहा कि किसानों का आंदोलन एक गैर राजनीतिक आंदोलन है, लेकिन एक किसान का बेटा होने के नाते वे हमेशा इस आंदोलन का समर्थन करते रहेंगे। विपक्ष में अकेला सांसद हूं, मेरी कोशिश है कि उसकी आवाज उठाऊं, जैसे अभी यहाँ भी लड़ाई मिल लड़नी पड़ेगी, संसद में भी लड़नी पड़ेगी तो लड़ेंगे। ठीक है जी। और मौका तो मिले संसद में, ये तो संसद ही बंद करे बैठे हैं। ये आंदोलन गैर राजनीतिक आंदोलन है, किसान संगठन इसका नेतृत्व कर रहे हैं, किसान ही इसमें शामिल है, हम एक सहायक और समर्थन की भूमिका में, ऊपर से हम लोग भी तो किसान के बेटे हैं और किसान के बेटे के नाते हम समर्थन कर रहे हैं। मगर हम ये कहें कि भाई ये आंदोलन हम कांग्रेस पार्टी का आंदोलन करेंगे तो देश के किसान का आंदोलन नहीं होगा ना। ठीक है जी। देश के किसान का आंदोलन तो तब होगा जब देश के किसान नेतृत्व करेगा। तो ये अभय सिंह जी को या किसी कोई भी अगर ये बात कहता है कि भाई ये आंदोलन को कौन वो आदमी क्यों नहीं, कोई आदमी, कोई विपक्ष की पार्टी क्यों नहीं इसका नेतृत्व कर रही, तो कि क्योंकि ये किसान संगठनों की इच्छा है कि भाई हम उसकी इच्छा का सम्मान करते हैं पूर्णतः। हम मगर पूरी तरीके से इस आंदोलन के साथ है, इसके समर्थन में देश के किसान के साथ कांग्रेस पार्टी हम कंधा से कंधा मिला के लड़ाई लड़ेंगे, हर जो है प्लेटफॉर्म पे लड़ेंगे, सड़क से, खेत से, संसद। बता दें कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के एकमात्र ऐसे सांसद हैं जो शुरू से ही किसान आंदोलन को न केवल अपना समर्थन दे रहे हैं बल्कि वे किसानों के धरना स्थल पर जाकर उन्हें होने वाली दिक्कतों के बारे में जानकारी लेकर उन्हें भी दूर करने का काम कर रहे हैं। हल्ला बोल हरियाणा।